क्यों आपकी सेविंग नहीं हो पाती है, क्यों आपके पैसे नहीं बचते हैं, क्या रीज़न है इसका? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आजकल हम ज़्यादा कैश रखते नहीं हैं, सारे पैसे हमारे अकाउंट में रहते हैं। हम सारे पेमेंट जो हैं वो ऑनलाइन करते हैं, सब्जी खरीदने से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। हम UPI का यूज़ करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन करते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम UPI का यूज़ करते हैं। UPI के आने से हमारे पैसे जो हैं वो और ज़्यादा ही खर्च होने लगे हैं। UPI की वजह से पैसे को सेव करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हमें 10 रुपये की भी कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो हम वहाँ पर भी हम UPI का यूज़ करते हैं। हमारे वॉलेट में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ही रहता है या फिर पैसों के नाम पर कुछ क्वाइंस ही रहते हैं। जब UPI नहीं था तो लोग कैश पेमेंट करते थे, तब वो बचा करके खर्च करते थे। उन्हें ये डर रहता था कि कहीं उनका वॉलेट जो है वो खाली ना हो जाए, तब वो पैसों को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहते थे। तब लोग ज़्यादा पैसों का हिसाब रखते थे, छोटे मोटे खर्चों का भी वो हिसाब रखते थे, कहाँ कितने पैसे खर्च हुए इस चीज़ का ध्यान रखते थे। अब इन छोटे मोटे खर्चों का ध्यान नहीं रहता है क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट से ही वो पे हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करना बुरा नहीं है, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ईजी रहता है। बट इसका यूज़ हर जगह हर तरीके से ना करें, इसका यूज़ थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि आजकल बहुत तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए आप इसका यूज़ थोड़ा सा संभल कर करें। हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप UPI का यूज़ मत करिए। छोटी मोटी चीज़ों को लेने के लिए आप अपने पास कुछ कैश ज़रूर रखें और मंथली एक्सपेंसेस के नाम पर आप इन्हीं कैश का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी से आप दूर नहीं रह सकते हैं, बट इसका यूज़ आप लिमिटेड ज़रूर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उसे लेने के लिए अगर आप UPI का यूज़ करते हैं तो ये आपके पैसों को कभी भी सेव नहीं होने देगा। गैर ज़रूरी चीज़ों को लेने के लिए हम UPI का यूज़ करते हैं और हमारा अकाउंट जो है वो धीरे धीरे करके खाली होता रहता है। अपने पास आप 2 अकाउंट ज़रूर रखें। एक अकाउंट ऐसा रखें जिसे आप UPI से लिंक करें और दूसरे अकाउंट को आपको अपना मेन अकाउंट बनाना है, या फिर किसी भी एक अकाउंट को अपना मेन अकाउंट बनाएं और वहां से कोई भी नेट बैंकिंग ना करें, वहां से कोई भी UPI ना करें। जो आपका मेन अकाउंट है वहां से आप ATM से पैसे निकालें और डिपॉज़िट करें। इससे आपके पैसों का हिसाब होगा और फालतू के पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। जो अकाउंट आपका लिंक है UPI से वहां पर आप थोड़े पैसे रखें, इतने पैसे रखें जितने की आपको ज़रूरत हो या जितने की आपको ट्रांजैक्शन करनी हो, और सारे ट्रांजैक्शन आप वहीं से करें। इससे आपके पास आपके पैसों का हिसाब होगा, आपको पता होगा कि कहां और कितने खर्च हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों को आने से पहले ही पैसों को खर्च करने के बारे में सोच लेते हैं। उनके पास उनकी इनकम या उनकी सैलरी आई नहीं होती है उसके पहले ही उनकी शॉपिंग लिस्ट जो है वो तैयार रहती है। उनको कहाँ पे कितना खर्च करना है, कौन सी चीज़ें उन्हें लेनी है, ये सारी चीज़ें वो पहले ही सोच लेते हैं और जैसे ही सैलरी आती है वैसे ही वो शॉपिंग करने निकल जाते हैं या फिर वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, वो पार्टी करने लगते हैं। इस तरीके से वो अननेसेसरी चीज़ों को करके अपने सारे पैसों को कुछ दिन में ही उड़ा देते हैं। कुछ दिनों में ही उनकी सारी इनकम या सारी सैलरी जो है वो खर्च हो जाती है। फिर उनकी सेविंग तो दूर की बात है, उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, फिर वो नेक्स्ट सैलरी आने का वेट करते हैं। तो ऐसी बेवकूफियां करने से आप बचिए। ये सारी चीज़ें करने से हमारी हैबिट्स भी ख़राब होती हैं और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, इससे हम टेंशन में भी रहते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप डिस्काउंट को भी ज़रूर देखें, कहाँ से क्या चीज़ लेना सही होगा ये भी ज़रूर ध्यान रखें। दूसरों की चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट होना भी छोड़िए, क्योंकि यह आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देगी। अपने शौक़ को पूरा करें बट संभल कर, अपने माइंड का यूज़ करें। अपने शौक़ को पूरा करना भी ज़रूरी है और सेविंग करना भी ज़रूरी है। हर किसी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं इसे समझिए। कहाँ आपको पैसे खर्च करने हैं और कहाँ कहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं इस चीज़ का ध्यान दीजिए। फिर आपकी इनकम कितनी भी हो आप उसमें हर चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।